हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल के बारे में। हम यहाँ मोस्टली कंपनी का हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे। और फाइनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या ये कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। वैसे तो कंपनी 1983 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके स्टार्ट होने के पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। चलिए पहले उसको समझ लेते हैं। डॉक्टर प्रताप रेड्डी 1960 में अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद US चले जाते हैं, जो उस समय काफी कॉमन भी था। बहुत साल US में काम करते करते डॉक्टर रेड्डी एक वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर बन चुके थे, लेकिन 1970 के दशक में अपने पिताजी के कहने पर डॉक्टर रेड्डी अपने अमेरिकन ड्रीम को छोड़कर इंडिया वापस आ गए और चेन्नई में एक हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। इलाज करते करते 1979 में एक ऐसा घटना घटता है जो उनके पूरे जिंदगी को बदल देता है, जब एक 39 साल का लड़का उनके सामने दम तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसा नहीं था। और वहीं उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अमेरिकन टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया में भी सेम वैसा ही हॉस्पिटल बिल्डअप किया जाए जैसा अमेरिका में, और इसी से अपोलो का जन्म होता है। अपोलो का बेसिक मतलब ग्रीक गॉड ऑफ हीलर है, और शायद वहीं से ये नाम लिया गया है। कंपनी का शुरुआत 1989 में हुआ विद कार्डियक सर्जरी, और कुछ सालों में ही कंपनी अदर सर्जरीज को अपने कैटलॉग में इंक्लूड करके बिजनेस एक्सपैंड करना शुरू करती है। डॉक्टर रेड्डी ने 1986 में ही हेल्थ केयर इंश्योरेंस पर काफी ज्यादा जोर दिया, ताकि मरीज और हॉस्पिटल के बीच में कोई दिक्कत न क्रिएट हो। और 87 में फार्मेसी सेलिंग का बिजनेस भी स्टार्ट किया अपने हॉस्पिटल्स में। साल बीतता है और कंपनी ट्रांसप्लांट, IVF, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी साइंस को इंक्लूड करते हुए और एक्सपैंड करना शुरू करती है। और साथ ही कंपनी ने 2000 में टेलीमेडिसिन सर्विस भी स्टार्ट किया। कंपनी ऑर्गेनिकली तो ग्रो कर ही रही थी, और इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने के लिए कंपनी ने रैपिड एक्सपेंशन के लिए काफी ज्यादा एक्विजिशंस करना शुरू किया। और वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने के लिए कंपनी ने फार्मेसी के साथ डायग्नोस्टिक, इमरजेंसी सर्विस एटसेट्रा को इंक्लूड भी किया अपने हॉस्पिटल में। और डिमांड को देखते हुए कंपनी ने कैंसर के लिए एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी बनाया चेन्नई में, साथ ही टेली कंसल्टेंसी भी स्टार्ट किया। और लास्टली कंपनी के अच्छे कामों की वजह से डॉक्टर रेड्डी को 1991 में पद्म भूषण और 2010 में पद्म विभूषण से नवाजा भी गया। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी का हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। कंपनी का लगभग 44% रेवेन्यू स्टैंड अलोन हॉस्पिटल से आता है, 43% फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन से और 6% AHLL से आता है, जिसमें मोस्टली डायग्नोस्टिक, प्राइमरी केयर और स्पेशलिटी शामिल है। बाकी बचा हुआ 7% कंपनी को लगभग सब्सिडरीज और एसोसिएटेड कंपनी से आता है। आप अगर लिस्ट देखना चाहें तो मैं ये लिस्ट लगा देता हूँ, जहाँ से कंपनी को लगभग 7% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, देख लीजिए आप। चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल बिजनेस मॉडल को पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसका मार्केट साइज है लगभग 8 ट्रिलियन रुपी, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है। और इस 61% का मेजर कंट्रीब्यूटर है मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स। अगर हॉस्पिटल्स का टाइप का बात करें तो ये मोस्टली 3 तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी केयर में मोस्टली कंसल्टेंसी का काम होता है, इसको हम टेली कंसल्टेंसी भी कह सकते हैं, यहाँ रुकने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। इसको चलाने में खर्च काफ़ी कम होता है, पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ मोस्टली वो लोग आते हैं जो छोटे मोटे प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। कंपनी इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए 22 डे केयर सेंटर बनाया है और टेली कंसल्टेंसी सर्विस भी स्टार्ट किया है। दूसरा है सेकेंडरी, जहाँ IPD के साथ OPD भी सर्विस मिलता है, मतलब आप कंसल्टेंसी के साथ कुछ दिन चाहे तो रुक सकते हैं। ये मोस्टली होता है स्मॉल साइज हॉस्पिटल, जहाँ कुछ दिन रुकने का व्यवस्था होता है। और तीसरा होता है टर्शरी, जहाँ की IPD OPD के अलावा डायग्नोस्टिक, फार्मा, फूड एटसेट्रा का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। इसी बिजनेस में कंपनी काम करती है, मोस्ट ऑफ द कंपनी को पैसा यहीं से जनरेट होता है। और इस तरीके का बिजनेस या इस तरीके का हॉस्पिटल बनाना कहें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। सबसे पहले इसमें एरिया सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन वाइज, जो लैंड कॉस्ट को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है पॉपुलेशन की वजह से। फिर बिल्डिंग बनाना होता है, इक्विपमेंट खरीदना होता है, और लास्टली इसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस मेंटेनेंस कैपेक्स में खर्च करना पड़ता है। और इसीलिए कंपनी का कोई भी हॉस्पिटल कंपनी का नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर को आप देखिएगा तो काफ़ी लो दिखेगा। कंपनी बनाने के बाद इसको वेल स्टाफ्ड भी रखना पड़ता है, साथ ही 24/7 सर्विस के लिए एम्बुलेंस रखना पड़ता है। और इन सब कामों के लिए कंपनी का एडिशनल पैसा ऑटोमेटिकली हमेशा खर्च होगा ही होगा। अगर आपको हॉस्पिटल बिजनेस को समझना है तो कुछ पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो ये है, चारों देख लीजिए। अगर टोटल बेड कैपेसिटी का बात किया जाए तो अपोलो का 10,000 से ज़्यादा बेड कैपेसिटी है, जिसमें से लगभग 80% ऑपरेशनल है। और अगर इसका ऑक्यूपेंसी रेट का बात किया जाए तो ये लगभग अराउंड रहता है 63-67% के आसपास। लेकिन आपको एक वो चीज़ पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी नया एक हॉस्पिटल खुलता है तो उसका ऑक्यूपेंसी रेट अचानक से 60-70% नहीं हो जाता है। वहाँ पे उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अपना ब्रांड बनाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको दिखता है कि कंपनी अपना जो लेवल ऑक्यूपेंसी रेट है उसको 60% से ऊपर रख पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अपना मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, जो आपको यहाँ फाइनेंशियल्स में कंपनी का दिखेगा भी।
बात करें फार्मेसी का तो कंपनी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करती है। कंपनी बल्क में एक डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत ज़्यादा मेडिसिन खरीदती है और उसको एक अपने एसोसिएटेड कंपनी के सब्सिडरी को दे देती है। नाम है उसका अपोलो फार्मेसी लिमिटेड, जो पहले कंपनी खुद मैनेज करता था, अभी उसको दे दिया, बेच दिया 500 करोड़ के आसपास में। तो वो कंपनी का सारा फार्मेसी सेलिंग का काम करती है, लेकिन बल्क में खरीदती कंपनी खुद है, बेचने का काम कराती है अपोलो फार्मेसी से। इसमें से कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 6-8% के आसपास एबिटा जनरेट होता है। और अगर सेल्स का बात करें तो ओवरऑल सेल्स का हम बात करें तो कंपनी को लगभग 17% के आसपास सेल्स ग्रोथ हुआ लास्ट 10 साल में। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी का जो ये सेल्स ग्रो किया है वो लगभग 9% के आसपास इसके पुराने हॉस्पिटल के थ्रू ग्रो किया, और कंपनी जो एक्विजिशंस और नया नया सब्सिडरी क्रिएट किया है उससे कंपनी को लगभग इतना ज़्यादा सेल्स जनरेट हुआ है कि वो 17% आपको दिख रहा है। बात करें प्रॉफिट का तो कंपनी बहुत सारा हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, सब्सिडरी बनाया, जो लॉस मेकिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि नया नया हॉस्पिटल अगर आप क्रिएट कीजिएगा तो तुरंत वो प्रॉफिट मेकिंग होता नहीं, कुछ समय बाद ही प्रॉफिट मेकिंग होता है, जिसके वजह से कंपनी का बहुत सारा जगह से अभी नेगेटिव पैसा आ रहा है या लॉस मेकिंग है। तो जैसे जैसे कंपनी इसको मेच्योर होगा, ये हॉस्पिटल मेच्योर होगा, कंपनी को प्रॉफिट आना शुरू होगा, जो आपको दिखेगा एब्रप्ट इंक्रीज होगा कंपनी का प्रॉफिट में, उससे दिखेगा। तो ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल कंपनी के बारे में। एक इम्पोर्टेंट अपडेट दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी साथी को इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है तो इस कोर्स में इनरोल जरूर करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। प्रमोटर होल्ड करते हैं लेस देन 50% ऑफ द शेयर और ट्रेंड डाउनवर्ड है, मोस्टली बिकॉज ऑफ डेट रिपेमेंट जो किया गया था शेयर बेच के। और अगर रेमुनरेशन का बात करें तो ये काफ़ी हाई है, और ऐसा इसीलिए नहीं है कि वो बाहर से किसी को हायर कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये खुद के फैमिली मेंबर्स को इतना हाई सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट तो मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब है। बात करें सक्सेशन प्लान का तो ये हाईली कॉन्फ्लिक्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी की 4 बेटी है, चारों मैनेजमेंट के पोजीशन पे है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट हो, तो यह डायरेक्टली कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चांसेस तो बनता है। बात करें केसेस या स्कैम का तो हॉस्पिटल बिजनेस में होने की वजह से कंपनी पे केसेस तो होगा है, लेकिन गूगल करने से कोई खास सिग्निफिकेंट केस मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उसे पोस्ट कर दें, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ। लास्टली हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स का। फाइनेंशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ क्या कंपनी आने वाले 5 से 6 सालों में बैंकरप्ट हो जाएगा या नहीं। अगर डेट के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो कंपनी का डेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और हाई होने का भी रीज़न है क्योंकि कंपनी लास्ट कुछ साल में बहुत ज़्यादा एक्विजिशन और सब्सिडरीज खरीदा है या कंपनी को एक्वायर किया, जिसकी वजह से यह डेट बढ़ गया है। और अगर कंपटीशन का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होने वाला, हाँ लेकिन इतना तो है कि कंपनी आसानी से कंपटीशन को बीट कर सकता है फिलहाल जिस तरीके से कंपनी चल रहा है। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का लगता है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ना हो जाए बिकॉज ऑफ AI। बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब मुझे लगता है, क्योंकि ये 15% से कम है। अगर कंपनी अपना सब्सिडरीज को और नया एक्विजिशन या नया हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बनाने के बाद इसको 15% के ऊपर मेंटेन रख पाता तो काफ़ी बढ़िया होगा, इसके लिए हमको कुछ साल कंपनी को वेट करके देखना पड़ेगा। बात करें डेट का तो कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी हाई है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डेंजर जोन पे चल रहा है, तो इन दोनों की वजह से मैं कुछ साल रुक के इसको देखना बेटर पसंद करूंगा, क्योंकि ये डेंजर जोन पे है। बात करें कैश फ्लो का तो कंपनी का प्रॉफिट आसानी से कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी आम आदमी से डील करता है मोस्टली कैश में। और लास्टली हम बात करते हैं वैल्यूएशन का, तो कंपनी का लास्ट 3 साल को अगर हम प्रॉफिट का एवरेज करें तो ये आता है अराउंड 300 करोड़, और अगर 300 करोड़ के हिसाब से 20-30 का PE मल्टीपल देते हैं तो इसका वैल्यूएशन आता है अराउंड 6,000-9,000 करोड़। और कंपनी का ग्रोथ कैपेक्स काफ़ी हाई है, मतलब कंपनी एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा खर्च किया है, जिसके वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, जिसके वजह से इसका फ्री कैश फ्लो के थ्रू इसका वैल्यूएशन निकालना इम्पॉसिबल है ग्रोथ कैपेक्स के थ्रू। सो अगर हम ओवरऑल वैल्यूएशन का बात करें तो ये आ रहा है अराउंड PE के रिस्पेक्ट में 6,000-9,000 करोड़, और कंपनी अभी चल रहा है अराउंड 60,000 करोड़ के आसपास, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे कंपनी चल रहा है एज़ कम्पेयर टू PE वैल्यूएशन। तो ये तो था ओवरऑल कंपनी के बारे में एनालिसिस। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।